वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। आज की वीडियो है ओपन पोर्स के ऊपर। ओपन पोर्स यानी कि वो होल्स जो हमारे फेस पर होने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन पर होने शुरू हो जाते हैं, और वो बड़े जब होते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगती है। वो छोटी छोटी मोरियां से, होल से जो हमारे फेस पर दिखते हैं वो बहुत ही गंदे लगते हैं, जिसके कारण स्किन बिल्कुल अनइवन लगती है। मेकअप भी करते हैं तो मेकअप भी हमारा अनइवन लगता है, स्पेशली जिन लोगों के पिम्पल्स या एक्ने की प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा जब कोई पिम्पल या एक्ने चला जाता है, उसकी जगह जो स्पॉट रह जाता है उसका होल थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो उन पोर्स को हम किस तरह से ठीक कर दें। ओपन पोर्स का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैं कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको या मिसगाइड आपको नहीं कर सकती हूं कि आप 7 डेज ये चीज लगा लो या आप 10 डेज ये चीज लगा लो, आपके ओपन पोर्स कभी भी नहीं होंगे। आप 7 डेज लगाओगे, 10 डेज लगाओगे, उतने टाइम ड्यूरेशन तक आपके वो ओपन पोर्स नहीं होंगे, लेकिन जब आप उसको लगाना बंद कर दोगे आपके पोर्स फिर से खुल जाएंगे। क्योंकि पोर्स के साइज को हम श्रिंक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल साइज में आएंगे ही आएंगे जब हम वो वाली एक्टिविटी करनी बंद कर देंगे। सो एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप घर पर इजिली कर सकते हो और कोई पैसे भी नहीं आपके खर्च होंगे, और ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है। आप जस्ट इसको ट्राई कीजिए। इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट फ्रिज में रखनी है एक ठंडे पानी की स्प्रे बॉटल। घर पर हमारे पास इजिली स्प्रे वाली बॉटल्स होती हैं। अगर आपके पास कोई भी बॉटल खाली हो गई है तो आपने इस तरह की स्प्रे बॉटल को पानी से भरकर फ्रिज में रख लेना है और इसको बिल्कुल चिल्ड कर लेना, बिल्कुल ठंडा। जब आपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करना है, मतलब जब आपने अपना फेस वॉश कर लिया, तो आपने ये ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर जो है अपने पूरे फेस पर इस तरह से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद फिर आपने अपना जो भी आप अपनी मॉइस्चराइजर या सीरम या जो भी आप लगाते हो, प्रोडक्ट्स लगाते हो, वो आपने लगाने हैं। तो ये चीज आपने रूटीन में करनी है। रेगुलर करोगे आपके पोर्स जो है वो उनका साइज श्रिंक ही रहेगा, क्योंकि पोर्स को जो ठंडा पानी होता है या आइस होती है ये आपके पोर्स के साइज को श्रिंक करते हैं। आप आइस भी रख कर सकते हो, बट ये बहुत इजीएस्ट वन है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपने जस्ट स्प्रे करना है एंड डू योर स्किन केयर। और स्किन केयर में भी आपने हमेशा हमेशा वो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिन पर क्लियरली मेंशन हो इट डज नॉट क्लॉग द पोर्स। मैंने ऑलरेडी ओपन पोर्स की वीडियो शेयर की हुई है, लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी। उसमें मैंने प्रोडक्ट्स भी शेयर किए थे कि इस तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, लेकिन वो यूज कीजिए जो आपके पोर्स को क्लॉग ना होने दे। तो पोर्स को वो बंद रखेंगे, टाइट रखेंगे, और आपका डेली स्किन केयर रूटीन है जो आपने करना ही करना है, और आपके पोर्स जो है वो ओपन ही होंगे। और इस एक्टिविटी को आप रेगुलर कर सकते हो। सेकेंडली, आप पानी की जगह चिल्ड रोज वाटर भी स्प्रे कर सकते हो। प्रेफरेबली मैं आपको बोलूंगी जो डाबर का ये जो गुलाब जल होता है, इसको चिल्ड कर लीजिए बिल्कुल, और इसको स्प्रे कीजिए अपने चेहरे पर। ग्लो तो आएगा ही आपके फेस पर, आपके पोर्स जो है वो भी श्रिंक होंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सी और इजी सी एक्टिविटी है जो आपके पोर्स को हमेशा क्लोज रखेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि ओपन पोर्स का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर इस एक्टिविटी को आप रेगुलर करोगे आपके पोर्स बंद रहेंगे, लेकिन अब इसको करना छोड़ दोगे तो आपके पोर्स फिर से ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वी आर श्रिंकिंग द साइज ऑफ द पोर्स। हम उनके साइज को सिर्फ छोटा कर रहे हैं, लेकिन पोर्स तो हमारे हैं ही हैं, तो वो खुलेंगे खुलेंगे। जब ऑयल प्रोड्यूस होगा, सीबम प्रोड्यूस होगा, तो वो खुलेंगे खुलेंगे। सो एक छोटी सी एक्टिविटी आप जरूर ट्राई कीजिए। अपने फेस पर ठंडा पानी स्प्रे कीजिए, चिल्ड वाला, या फिर रोज वाटर स्प्रे कीजिए। ये एक्टिविटी आपके पोर्स को ओपन होने से कंट्रोल करेगी। इवन आप मेकअप करने से पहले भी अपने फेस पर चिल्ड वाटर स्प्रे कीजिए या आइस क्यूब रब कीजिए, वो भी आपके मेकअप की स्टेइंग पार्ट को बहुत देर तक स्टे करके रखेगा और आपके पोर्स को भी श्रिंक करके रखेगा। सो दिस वॉज माई होल वीडियो ऑन ओपन पोर्स। होपफुली आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको और ऐसी वीडियोज की अपडेशन आती रहे। और लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। बाय बाय, लव यू ऑल।